नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केशव ट्रेडिंग कंपनी में। दोस्तों आपको पता है चाय पत्ती के व्यापार संबंधी बातें हम इस चैनल के माध्यम से करते रहते हैं और आप लोगों तक पहुंचाते रहते हैं एकदम सटीक जानकारी चाय पत्ती व्यापार को लेकर। आप लोग लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार हमारे साथ जो है चाय पत्ती व्यापार को सीख रहे हैं। दोस्तों अलग अलग जगह से आप लोगों के कमेंट और मैसेज हमारे पास आते हैं, काफी अच्छा फील होता है। दोस्तों लगातार इसी तरीके का आपका प्यार और सपोर्ट जो है इस चैनल के साथ बनाए रखें और अधिक से अधिक कमेंट करें। मैं हमेशा कहता हूं, हर वीडियो में कहता हूं कि आप लोगों के कमेंट ही दोस्तों हमें बताएंगे कि हमें अगला वीडियो टॉपिक जो है वो क्या बनाना चाहिए। तो आपके कमेंट में से मैंने कमेंट पिक किया है ट्रांसपोर्टेशन को लेके। दोस्तों हमारे किसी एक मित्र की दिक्कत थी, उन्होंने मेरे को दो तीन बार कमेंट करके बताया कि सर ट्रांसपोर्ट पे वीडियोस बनाएं, ट्रांसपोर्ट का कैसे सिस्टम होता है, कहाँ कैसे बुक होता है, क्या डॉक्यूमेंट प्रोसेस होती है और कितना कॉस्ट आता है जब एक माल को दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं तो क्या कॉस्टिंग आती है। दोस्तों उस पर जरूर वीडियो बनाएं। तो हम लोग आज लेके आ गए हैं आपके लिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्ट को लेके आपको पूरी जानकारी दोस्तों इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। आप लोग आखिर तक देखते रहें और चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो ये सब्सक्राइब वाला जो बटन है इसको भी दबा लेंगे क्योंकि ये एकदम फ्री होता है। तो आप लोग सब्सक्राइब करके रखें चैनल को और लगातार फायदा उठाते रहें हमारे वीडियोज का। अब मैं शुरू करता हूँ दोस्तों आपके लिए जो है कि किस तरीके से ट्रांसपोर्ट का जो सिस्टम है वो चलता है। दोस्तों आप लोगों को मैं एग्जाम्पल दूंगा सारे चाय पत्ती व्यापार से रिलेटेड, क्योंकि हम लोग बात उसी व्यापार की यहाँ पे करते हैं। तो आप लोग जो हैं कोई भी एक सिटी का चयन कर लीजिए। फॉर एग्जांपल आप लोग बॉम्बे में बैठे हुए हैं और आपको जयपुर से चाय पत्ती मंगवानी है, जयपुर के किसी होलसेलर से आपने संपर्क किया और बम्बई में आपको दोस्तों चाय पत्ती मंगवानी है, तो ट्रांसपोर्ट का क्या सिस्टम रहेगा। अब देखिए बॉम्बे के लिए जयपुर से काफी सारे ट्रांसपोर्ट, ऐसे ही आपकी सिटी आप जहां से भी हैं, आप आगरा से हो सकते हैं, आप इलाहाबाद से हो सकते हैं, हैदराबाद से हो सकते हैं, आप जहां से भी हैं, तो हर एक बड़ी सिटी से बड़ी सिटी के लिए जो है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी खूब होती है। दोस्तों बहुत सारे ट्रांसपोर्ट उनके लिए अवेलेबल होते हैं और जो ज्यादा कनेक्टिविटी है उन ट्रांसपोर्ट की मैं बात करूं तो जैसे बीआरएल हो गया, इसकी जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है वो काफी वाइड है दोस्तों, लगभग हर कोने को ये कवर करते हैं, बजाज वाले हैं, सेफ एक्सप्रेस है, उसके अलावा बात करूं इनलैंड है, उसके बाद गति है, डिलीवरी है, ये सारे जो ट्रांसपोर्ट्स हैं ये लगभग इंडिया के हर कोने को दोस्तों कवर करते हैं और इनके जो चार्जेस हैं वो सबके अलग होते हैं। सेम डिस्टेंस और सेम क्वांटिटी के लिए भी दोस्तों हर ट्रांसपोर्ट का जो है फेयर अलग हो सकता है। बात करें हम जयपुर गोल्डन की तो जयपुर गोल्डन जो ट्रांसपोर्ट है दोस्तों वो भी काफी इंडिया को कवर करता है, उसके जो फेयर हैं अदर जो ट्रांसपोर्ट है उनकी कंपेरिजन में थोड़े से ज्यादा है। सर्विस की हम बात करते हैं तो हर किसी की सर्विस का क्राइटेरिया भी बिल्कुल अलग है, किसी का कहाँ पर ड्रॉपिंग स्टेशन है, वहाँ से कैसी फैसिलिटी मिल रही है, कोई डोर डिलीवरी की फैसिलिटी आप लोगों को प्रोवाइड कराता है, तो हर किसी की जो है फैसिलिटी भी बिल्कुल अलग होती है। इनको दोस्तों आप लोग जो है किस तरीके से बुक कर सकते हैं माल इन पे और ऑनलाइन किस तरीके से ट्रैक कर सकते हैं ये मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। आपको मैं बजाज का, आपको मैं वीआरएल का, आपको मैं जयपुर गोल्डन का सब तरीके से, क्योंकि हमारे साथ भी काफी सारी दिक्कतें आती है जब आप लोगों का माल बुक हो जाता है, हम आपको बिल्टी भेज देते हैं, उसके बावजूद भी आपका सीधा फोन हमारे पास ही आता है कि सर माल पहुंचा नहीं है, माल कहाँ पहुंचा है। तो मैं इस समस्या का पूरा समाधान आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे चल के और आप लोगों को अगली वीडियो में ये दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से माल बुक होने के बाद में उसका स्टेटस जो है आप घर बैठे पता लगा सकते हैं, आपको कहीं फोन करने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन जो बिल्टी नंबर होता है वो आपको डालना है, किस तरीके से डालना है, कहाँ डालना है और आपके स्टेटस जो है आपका जो माल बुक हुआ है उसको कैसे आप लोग जो है पता कर सकते हैं कि ये कितने दिन में आपके पास पहुंच जाएगा, आप दिखाते हैं और कब बुक हुआ था, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैं देने वाला हूं। तो वो वीडियो जो आने वाली है उसको बिल्कुल मिस ना करें क्योंकि पूरा प्रैक्टिकल उस वीडियो में होने वाला है दोस्तों, कंप्यूटर स्क्रीन पे वहां बताएंगे आपको प्रॉपर तरीके से। तो आज की वीडियो में तो खाली हम बात कर रहे हैं कि आप लोगों ने जैसे अब फेयर की मैं बात करूं, जैसे आसाम गुवाहाटी से माल डिस्पैच होता है, गुवाहाटी से माल डिस्पैच होके और किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन पे मैं बात करूं, जैसे जयपुर आना है, आसाम से माल निकला और जयपुर आया या फिर जयपुर से माल निकला मुंबई गया, तो जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है दोस्तों वो डिपेंड करती है कि कितनी क्वांटिटी जो है आप लोग मंगवा रहे हैं या फिर कितनी क्वांटिटी को आप लोगों ने डिस्पैच किया है। इसका कोई फिक्स फेयर नहीं होता कभी भी ट्रांसपोर्ट, बहुत सारे लोग पूछते हैं सर ट्रांसपोर्ट का पैसा कितना लगेगा, तो हम उनको एज ऑन एवरेज बताते हैं हमेशा किलोमीटर के हिसाब से कि आप अगर जैसे 100 किलोमीटर में ही माल जा रहे हैं तो आइडिया ये रहता है कि 1 रुपये किलोमीटर लगता है, जैसे आपके 2 बैग है, 3 बैग है, 4 बैग है, तो ज्यादा माल हुआ तो हो सकता है वो 80 पैसे भी आ जाए या फिर हो सकता है ट्रांसपोर्ट पर डिपेंड करे कि आपका जो ट्रांसपोर्ट लाइज है वो कैसा है। तो जो गुवाहाटी से माल निकल के और जयपुर आता है दोस्तों उसका जो प्राइस फेयर रहता है दोस्तों वो रहता है दोस्तों 4 रुपये से लेकर और 6 रुपये तक,
अब आप लोग जो है गूगल करके आराम से इनकी डिस्टेंस देख सकते हैं। और ये जो मैंने फेयर बताया ये रहता है दोस्तों 3 टन 4 टन 10 टन तक, 2-5-10 टन आप मंगवा रहे हैं, 4 रुपये से लेकर और 6 रुपये आता है। अब ये मैं 4 से 6 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हर ट्रांसपोर्ट का जो है वो सिस्टम अलग होता है। आप गति से मंगवाओगे तो उनका जो फेयर है वो 8-9 रुपये के आसपास पहुंच जाता है। इसी तरीके से मैं बात करूँ, आप लोग अगर इंग्लैंड वगैरह से मंगवाते हैं तो ये बहुत कम में आ जाता है, बाजार से मंगवाते हैं तो और कम में आ जाता है, एकदम सेफ पहुँचाते हैं। तो हर ट्रांसपोर्ट का जो है वो सिस्टम अलग है, उनका क्वांटिटी, किसी का मैं बात करूँ तो वो होता है दोस्तों सिर्फ वी ट्रांस एक ट्रांसपोर्ट है, उसके अलावा एक निटको ट्रांसपोर्ट है, इनकी मैं बात करूँ तो ये जो ट्रांसपोर्ट है इनका एक मिनिमम फेयर होता है। आप लोग चाहे 30 किलो बुक करो चाहे 50 किलो बुक करो, इनका एक मिनिमम फेयर होता है, वो तो आपको पे करना ही पड़ेगा, 500 रुपये हो सकता है, 600 रुपये हो सकता है। तो अगर आप लोग 30 किलो बुक कर रहे हैं तो आपको 600 रुपये पे करने पड़ सकते हैं। तो हर किसी का एक जो सिस्टम है वो अलग होता है। बाकी अब तक जो मैंने ऑन एवरेज देखा है वो यही है कि 100 किलोमीटर तक अगर आप लोग जो है 300-400 किलो माल डिस्पैच कर रहे हैं तो आपका 1 रुपये के आसपास जो है उसका खर्चा आ जाता है। इसमें भी फिर ये होता है दोस्तों, अगर आप लोग 1000-2000 किलोमीटर उस माल को भेज रहे हैं तो फिर ऐसा नहीं है कि आपको वो 1 रुपये आएगा, ऐसा नहीं है, वो कम होते जाता है। दूरी प्लस आपकी क्वांटिटी, ये दोनों डिपेंड करती है आपकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट पे। ऐसा नहीं है कि आपने अगर 2000 किलोमीटर कहीं माल भेजना है तो फिर 20 रुपये किलो पहुंच, ऐसा नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। हाइएस्ट जो हम लोगों ने देखा है, क्योंकि हमारा माल जो लगभग है हर भारत के हर कोने में भेजते हैं हम लोग, तो ऑन एवरेज तो देखा गया कि दूरी पे हम लोग जब माल डिस्पैच करते हैं तो अधिकांश जो है वो 10-11 रुपये के आसपास पड़ता है हाइएस्ट, उससे ज़्यादा तो अब तक पड़ा नहीं है, आगे पड़ेगा तो हम लोग जरूर वीडियोज में डिस्कस करेंगे। तो 10-11 रुपये पर के जी के अंदर दोस्तों जो है VRL है, बजाज है, वी ट्रांस है, निटको है, जयपुर गोल्डन है, ये सारे ट्रांसपोर्ट जो है वो माल को भेज देते हैं, उस कोने से उस कोने तक माल आराम से पहुंच जाता है दोस्तों इस प्राइस रेंज में। लेकिन बस शर्त यह है कि आप किस ट्रांसपोर्ट से भेज रहे हैं, उनकी कंडीशन जो है टर्म्स कंडीशन क्या है, आप कितनी क्वांटिटी डिस्पैच कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें दोस्तों हमें देखनी होती है। उसके अलावा आप लोग जो छोटे पार्सल डिस्पैच करते हैं, जैसे कि हमारा जो सैंपल डिवीजन है वो सैंपल्स डिस्पैच करता है, तो वो जाते हैं दोस्तों आपके बाय इंडियन पोस्ट, बाय ट्रैक ऑन कुरियर, बाय डिलीवरी कुरियर, उसके अलावा पुष्पा कुरियर, उसके अलावा आपका जो है किसी का फास्टर डिस्पैच रहता है तो डीटीसी कुरियर, ये सारे कुरियर जो है मारुति है, गति है, इन सभी का इस्तेमाल करते हैं। इनमें आप लोगों को घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं होती है दोस्तों, ये सारे डोर डिलीवरी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कराते हैं, ना कहीं ऑफिस जाना है, कहीं नहीं जाना, सिंपल आपने पेमेंट किया सामने वाली पार्टी को, आपका माल बुक हो गया, आपको बिल्टी व्हाट्सएप पे मिल गई, बिल्टी में जो बिल्टी नंबर रहता है उसको कैसे ट्रैक करना है अगली वीडियो आप लोग हमारे साथ जुड़ के जरूर देखिएगा। मैं आपको छोटे पार्सल से लेके और बड़े माल तक कैसे आप लोग ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, वो काफ़ी सारे जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं इनके मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप लोग जो है घर बैठे इनकी ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। तो वो आपको जो है छोटे वाले जो पार्सल होते हैं दोस्तों अराउंड 10 से 20 किलो वाले भी पार्सल जो है हम लोग ट्राई करते हैं कि आपके जो है होम डिलीवरी रहे और डोर डिलीवरी रहे, ताकि आप लोग को घर से ना निकलना पड़े, आपका टाइम खराब नहीं हो, आपको कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट ना पे करना पड़े। तो ये होता है दोस्तों ट्रांसपोर्ट का सिस्टम। आप लोग कभी भी ये चीज़ ना पूछे कि इसका फिक्स कॉस्ट क्या आएगा, फिक्स कॉस्ट कुछ भी नहीं होता दोस्तों, वो डिपेंड करता है आप लोग 2 बैग ऑर्डर किए हैं सामने वाले ट्रांसपोर्ट, अगर वहाँ पे जाए अच्छे ट्रांसपोर्ट नहीं जा रहे हैं, कोई और ऐसा ट्रांसपोर्ट मिला जो कि कनेक्टिंग में आपका माल लेके जा रहे हैं, तो कनेक्टिंग में माल जब जाते हैं दोस्तों कमल फ्रेट की हम बात करें, हम लोग जैसे माल भेजते हैं दोस्तों कटनी की तरफ, रीवा की तरफ, एमपी की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो माल यहाँ से इंदौर जाता है, इंदौर से उसको क्रॉस मिल के और फिर उसको दूसरे ट्रांसपोर्ट में डाला जाता है, तो वहाँ पे 1-2 रुपये का ऊपर नीचे हो जाता है दोस्तों, जो यहाँ बिल्टी कट के गई उसमें हो सकता है 1-2 रुपये पड़ जाए। तो वो अलग अलग जगह के अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, हर ट्रांसपोर्ट का सिस्टम अलग होता है। तो आप लोग अब कॉस्ट निकालना सीख गए होंगे कि किस तरीके की कॉस्ट आती है। और बात करूं मैं जयपुर से बॉम्बे की, तो 4 रुपये के अंदर, 3 रुपये के अंदर और 6 रुपये के अंदर माल जो है यहाँ से बॉम्बे आराम से पहुंच जाता है। अब बॉम्बे के जो सराउंडिंग जो लोकेशन हैं जयपुर से आप देख लीजिए, उस रेडियस के अंदर जितने भी लोकेशन आएंगे सारे इसी ही फ्रेट में जो है माल आप तक दोस्तों पहुंच जाता है, तो आपको बार बार पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर जयपुर से बम्बई या बम्बई के रेडियस आप लगा लीजिए 1200-1500 किलोमीटर तक के रेडियस में आप लोग कहीं पर भी माल मंगवाते हैं तो दोस्तों इसी कॉस्ट में आपको मिल जाता है। अब आप यूपी से हैं, आप एमपी से हैं, आप छत्तीसगढ़ से हैं, आप लोग पंजाब, हरियाणा, दिल्ली कहीं से भी हैं तो आप लोग अब आइडिया लगा सकते हैं, तो आपको बार बार जो है इस कॉस्ट को पूछने की जरूरत नहीं रहेगी। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो जो है पसंद आई होगी, इसी तरीके की वीडियो लगातार दोस्तों केशव ट्रेडिंग कंपनी पर आती रहती है, आप लोग देखते रहिए केशव ट्रेडिंग कंपनी।